हेलो माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग कुछ स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी अब ठीक ठाक है, थोड़ा थोड़ा बेहतर है कल से। और क्या बोलूँ मैं, होली तो ऐसे ही निकल गई। मत करना बेटा खटर पटर, क्यों कर रहा है? तो होली तो हमारी ऐसे ही निकल गई, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल बेकार निकल गई इस बार की। वैसे खेलते तो वैसे भी नहीं है ये लोग, इतना मतलब इनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, एंजॉय नहीं करते हैं इतना। हाँ, पर ऐसे है कि अगर बाहर ऊपर चले जाते हैं, छत में चले जाते हैं, तो वहाँ पे सब लोग खूब एंजॉय कर लेते हैं, मज़े कर लेते हैं। तो इस बार मेरा वहाँ छत में जाना भी नहीं हो पाया, क्योंकि बुखार इतना हो रहा था मुझे, और नहीं गए हम फिर। और कल का दिन तो मेरा पूरा होली का दिन मेरा पूरा लेटे लेटे गया, मतलब सुबह से लेके शाम तक, रात तक, मतलब आज उठी हूँ मैं सुबह। तो होली का दिन मेरा पूरा का पूरा दिन मेरा ऐसा निकला, मेरे को 101 और 102 से बुखार नीचे ही नहीं जा रहा था। 102 से नीचे मतलब 101.9 मतलब ऐसे हो रहा था, फिर 101.6, 101.3 ऐसे ऐसे हो रहा था, लेकिन 101 से नीचे नहीं था पूरे दिन भर कल बुखार, बिल्कुल भी नहीं। तो रात को जब मैंने दूसरी दवाई खाई, मतलब डॉक्टर ने जो दवाई मेरे को लिख रखी थी, उससे मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा था। बुखार के लिए जो लिख रखा था उन्होंने डोलो 650 लिख रखा था। और जब भी मैं दवाई खा रही थी, तो मतलब जैसे रात को दवाई खा रही थी मैं, तो रात को उससे और ज़्यादा बुखार हो रहा था। पूरी पूरी रात मेरे को ऐसे ही निकल रही थी बुखार से। और फिर कल मैंने चेंज करा, मतलब जो घर पे पहले की पड़ी हुई थी पैरासीटामोल, वो खाई, तो उससे मुझे थोड़ा आराम लगा। और आज भी मैंने पैरासीटामोल ही खाई है, तो उससे मुझे थोड़ा सा आराम लग रहा है बुखार में। और बहुत दिन बाद ऐसे वीडियो बना रही हूँ मैं, मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। फ़ोन 2-3 दिन से तो मैं फ़ोन पे हाथ लगाने का मन भी नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, देख भी नहीं रही थी मैं, क्योंकि हालत नहीं इतनी हो रही थी कि फ़ोन देखने का मन भी नहीं कर रहा था। और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसी त्यौहार पे इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, और ना कुछ भी नहीं कर पाए हम लोग, सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए, कुछ बना भी नहीं पाए, घर पे भी नहीं बना पाए कुछ, और कुछ भी नहीं कर पाए। क्या कर सकते हैं, तबीयत ही इतनी ज़्यादा ख़राब थी, सबकी तबीयत ख़राब थी घर पे, सबकी ही तबीयत ख़राब थी, और शिवांश की भी तबीयत ख़राब है। देखो, लेकिन मैंने होली खेली थी, तो बच्चों ने तो थोड़ी बहुत खेली थी, मैंने वीडियो दिखाई डाली थी थोड़ी बहुत, बच्चों के चक्कर में करना पड़ता है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने इधर पिचकारी, और उस पिचकारी जो मेरी बड़ी वाली पिचकारी थी उसमें बहुत जोर लगाना पड़ता था। अभी भी इसके गले में खर खर हो रहा है, जैसे खांस रहा है, तो ऐसे लग रहा है जैसे बलगम फंसा हुआ है। और ये मैं कितनी बार इसको करती हूँ कि उसको साफ करो गले को अपना, गले में बलगम फंसा हुआ है जैसे, और इतना चूहा सा लग रहा है ना। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना, सूखा चूहा नहीं होता, जैसे सूख गया बिल्कुल 2-3 दिन में ही। पहले ही कमजोर है बहुत, और बुखार से ऐसी हालत हो गई, जैसे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल। तो ऐसी निकली हमारी, बेकार निकली आज की होली, इस बार की होली, क्या कर सकते हैं, हालत ख़राब हो गई है। अभी भी आज भी मतलब बुखार से तो थोड़ा आराम है मुझे, बुखार तो अब नहीं आ रहा है, 99 आ रहा है अब टेम्परेचर, अगर मैं देख रही हूँ तो 99 आ रहा है, लेकिन अभी भी ऐसा इतनी वीकनेस और सुस्ती अजीब से ना, आँख बंद हो रही है सीधा, ऐसे लग रहा है कि आँख बंद करके फिर वैसे लेट जाओ बस, अभी भी आँख बंद हो रही है, ऐसा मन कर रहा है तुरंत लेटो बस। तो खाना खाने का भी इच्छा नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, वॉमिटिंग जैसा हो रहा है खाने को देख के भी, देखते हैं कब तक ठीक हो पाते हैं। बड़ी हालत ख़राब हो गई है इस बुखार से। अभी है टाइम कितना, 6:19, मतलब 6:15 हो रहा है शाम का, और शिवांश और दीदी अभी सो रखे हैं। आज मैं पूरे 2 दिन बाद आई हूँ किचन में, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मैं नहीं आ रही थी, मतलब खाना वाना नहीं बना रही थी। कल तो कल का पूरा दिन, तो होली का दिन जो था वो तो पूरा दिन मेरा बिस्तर में लेटे लेटे निकला। परसों तो मैंने थोड़ा बहुत फिर भी झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था, तो
कल तो कुछ भी नहीं करा, आज थोड़ा सा रिलीफ है, फीवर बुखार नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अजीब सा है, सर भारी और खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर भी। और जब आदत है किचन में काम करने की तो बिना किचन के अच्छा नहीं लगता फिर बिल्कुल भी, मेरे को बिल्कुल मेरा मन ही नहीं लगता फिर। तो आज शाम की तैयारी कर रही हूँ मैं अब खाना बनाने की, और बच्चों को दिखाती हूँ मैं आपको कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और शिवांश को भी ना दवाइयों का नशा इतना है, नींद दिन में बहुत कम सोता है, लेकिन अभी देखो कितने बजे सो गया था, 2:30 बजे सो गया था शायद, अभी देखो 6:30 बजने वाला है, अभी तक हल्का सा रहा है दवाइयों से। मुझे भी बार बार आँख बंद हो रही है, बार बार ऐसा लग रहा है कि सो जाना था, और थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा है कि बस सो जाओ। दवाइयों से होता है कई बार ऐसा कि दवाइयों से ज़्यादा नींद आती है। अब देखो उन्होंने भी इनर पहन रखी है दोनों बच्चों ने, मैंने भी स्वेटर पहन रखा है। हम लोगों की तबीयत मतलब तबीयत की वजह से हमने गर्म कपड़े छोड़े नहीं पहनने अभी, वरना थोड़ा सा मौसम में तो थोड़ा है अभी गर्मी, मेरे को भी गर्मी फील हो रही है, लेकिन तबीयत नहीं ठीक है तो मैंने कर लेंगे अभी, थोड़ा इतना वो करना पड़ेगा। और कल शिवांश का पेपर है, और ना शिवांश से पढ़ा जा रहा है ना मुझसे पढ़ाया जा रहा है। कितने दिन की छुट्टी थी, 3 तारीख को था उसका लास्ट पेपर, मतलब अभी जो निकला जो पेपर 3 तारीख को था, 9 तारीख है आज, होता इतने दिन में हमने शिवांश ने एक दिन बुक नहीं निकाली, मतलब निकाली का मतलब ऐसे अलटने पलटने के लिए निकाली बोल बोल के, और क्योंकि पहले इसको पहले से आ रहा था बुखार, एक दो दिन पहले से इसको फीवर हुआ, उसके बाद मेरे को हुआ, तो मतलब ये लगा लो 5-6 दिन की जो छुट्टी थी, बीच में एक भी दिन हम इसने ना पढ़ा ना मैं पढ़ा पाई। आज भी अभी भी कोशिश कर रही हूँ मैं तब तक कि खाना बना लेती हूँ, और थोड़ा बहुत इसको आधा घंटा एक घंटा कुछ तो करेगा बेचारा, तो देखती हूँ अभी। अब मुझे पता है मैं, मेरे को भी बुखार हो रहा है तो मुझे पता है कि जब मुझसे पढ़ाया है वही नहीं हो पा रहा है, इच्छा ही नहीं जा रही है फ़ोन उठाने के लिए भी, मतलब ऐसा लग रहा था कि कितना भारी चीज़ उठा रही हूँ ऐसा लग रहा है, कुछ भी करने का मूड नहीं है, बोलने का मूड नहीं है, कुछ बोलने का नहीं है, तो इसलिए तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मूड को फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा शेयर करते हैं कुछ चीज़ें, और आप लोगों से शेयर करते हैं बातें, फिर शायद थोड़ा मूड और अच्छा हो जाए, है ना बेटा? तो कैसा लग रहा है अब आपको? ठीक लग रहा है। तो चलो क्या खाओगे आप? चाय बिस्किट? तो चाय बिस्किट बनाती हूँ मैं आपके लिए, चाय बनाती हूँ, बिस्किट है पड़ा हुआ, तुम चाय बिस्किट खाओ, तब तक मैं सब्जी बनाती हूँ, और फिर मिलते हैं आपसे। अब गले में मेरे को ना मतलब इतनी ज़्यादा खांसी हो रही है, वैसे कंटिन्यू नहीं हो रही है, लेकिन जब हो रही है ना तो इतनी ख़तरनाक हो रही है, खों मतलब अजीब सा, और यहाँ पे दर्द हो गया खांसी करके, ख़तरनाक दर्द हो रहा है, सांस लेने में भी दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है यहाँ पे खांसी करके। तो देखते हैं कब तक ठीक होते हैं, कब तक प्रॉपर ठीक होते हैं, क्या कर सकते हैं, इंसान है, तबीयत खराब होती रहती है नहीं।